दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि कूलर है, जो लोहे वाला कूलर है, और ये हमारा पंप है। आप देख रहे हैं, ये हमारे पंप के दो तार हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है और यहाँ पे फॉल्ट भी होते हैं, तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि हमारे ये कूलर की किट है, इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है 4 MFD का, और आप देख रहे हैं कि ये हरा और सफ़ेद तारों में ये कंडेंसर लगा है, और एक दूसरा तार आप देख रहे हैं बगल में, हरा और सफ़ेद जो मिक्स हो रखे हैं। तो ये जो तार मैंने पकड़ रखा है, ये हमारा मेन का तार होता है, इसको हम कॉमन भी बोलते हैं। तो इसको आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये वायरिंग होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी इस प्रकार से मिक्स करना है, एक तार को आपस में मिलाना है, और जो इसके दो तार बचेंगे वो आप में एक इसे कंडेंसर तार लगाना है। और दूसरी बात ये है कि ये किसी किसी कूलर में तीन तार होते हैं, किसी किसी में चार तार निकलते हैं, और किसी किसी में छः तार निकलते हैं। तो ये चार तार वाला ही कूलर है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये कूलर है, और कूलर क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये प्लेट है जो जहाँ पे ये ऑन ऑफ होता है, तो ये यहाँ पे हम ऑन ऑफ वाले स्विच लगाएंगे अच्छी क्वालिटी का। तो हल्का सा पहले हम यहाँ पे छेद कर लेंगे किनारे किनारे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम यहाँ पे ये छेद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये इसको हल्का सा यहाँ पे छेद कर लेंगे, इसके प्लेटों पे हर जगह कम से कम 6 जगह हम इसे छेद कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पे ये पेच कसने में बॉडी में आसानी हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ऐसे इस प्रकार से हमारे ये लास्ट के दो छेद हैं, इन दोनों छेदों में इस प्रकार से छेद कर लेंगे, और ये हम छेद कर रहे हैं इसमें। और छेद करने के बाद हमें इसको, और आप देख रहे हैं कि ये इस प्लेट में छेद हो गया है, और इसके बाद हमें ये कूलर पे इसको लगा के इसको मार्क कर लेना है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे ये छेद कर लेंगे, कील की सहायता से छेद करेंगे, तो ये अंदर बॉडी में छेद हो जाएगा हल्का हल्का, और हम यहाँ से पेच कस देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कोना के स्विच हैं, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे लगाने हैं दो स्विच का यहाँ पे लगा के, और ये पेच कस देंगे, और ये इसके पेच हैं। यहाँ से इसको अंदर डाल के यहाँ से हम इसको कस देंगे, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा तैयार हो गया है, और हमने ये पूरा तरीके से इसे ओके कर दिया है। और मैं अब बताऊँगा कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल एक आसान ही तरीके से, जो लोग कर नहीं पाते हैं, और ये मिस्त्री आते हैं तो ये आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दें, आपको एक टुकड़ा लेना है तार का, इस टुकड़े को यहाँ पे इसको कसना है, और दूसरे वाले स्विच से इस प्रकार से यहाँ छिलकें, और इसको भी इस प्रकार से यहाँ पे कस देंगे। तो ये हम ये स्विच में इसको डालेंगे इस प्रकार से, और इसको यहाँ से हम कस देंगे इसे। आप देख रहे हैं कि दोनों स्विच हमने आपस में मिला दिए हैं। और आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो तार है जोड़े से, इसको एक स्विच में इस प्रकार लगा देंगे। ये हमारा हल्का तार है, तो ये हमारा समझ लो पंप का तार है, तो हम पंप का, ये हमारे पे पंप के दो तार होते हैं, तो हम एक तार इसमें यहाँ पर लगा देंगे, और एक तार को हम फ्री कर देंगे। और ये जो दूसरा तार है, दूसरे तार को हम बताएँगे कि कहाँ लगेगा दूसरे वाले स्विच में। आप देख रहे हैं एक स्विच का कनेक्शन हो गया, अब एक स्विच बचा हुआ हमारे पास। और ये जो आप देख रहे हैं कि नीचे ये जो तार हैं, इस प्रकार से आपको देख रहे हैं कि एक में टेप लगा रखा है, ये हमारी जो मेन है ये वाइट वाली है, तो वाइट वाले में हम एक तार का टुकड़ा यहाँ लगाएंगे, और एक दूसरे वाले तार में लगाएंगे, और यहाँ पे हम अच्छे से टेपिंग कर देंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार का आपको भी टेप करना है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान दें। और जो कापा कंडेंसर वाला तार देख रहे हैं, जो हरा वाला तार है, उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसमें एक तार कंडेंसर का लगेगा और तार मोटर का लगेगा, और उसे टेप करना है। और उसके बाद जो आपने दो तार आपस में मिक्स करे थे, उसमें इस तार को लगाना है। ये समझ लो आपका कूलर का तार हो गया न्यूट्रल और फेस। ये न्यूट्रल और फेस आपका बिजली में चलाओगे तो ये मोटर डायरेक्ट चलेगा, लेकिन हमें इसको स्विच के थ्रू कनेक्शन करने हैं, तो हम बताएंगे कि कैसे होगा। तो ये दो तार यहाँ पे इसको काट रहे, देख रहे हैं आप, आधा मीटर का तार, और इस छेद में से इसको निकाल लेंगे बाहर के साइड। और ये हमने ये मोटर का तार निकाल दिया है, अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे टेपिंग कर देंगे जो कंडेंसर यहाँ, ताकि लटके ना। और ये हम यहाँ पे अच्छे से इसको टेपिंग कर रहे हैं, आपको इसी प्रकार से इसको टेपिंग करना है। अगर आप इसे टेपिंग नहीं करेंगे तो ये कंडेंसर लटकता रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और ये तार को भी इस प्रकार से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दबा देंगे। और ये तार हमने, जो आप ऊपर से हमने मोटर के दो तार निकाले थे, वो हमने उधर से इधर निकाल लिया है बॉडी के अंदर से। अब ये दो दो तार हैं, इस दो तार को हम, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम पंप पे लगाएंगे।
ये जो पंप के दो तार हैं इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। आपको इसी प्रकार से इसको लगाना है। ये हम पंप के दोनों तार लगा रहे हैं, और लगाने के बाद आप यहाँ पे इसको टेपिंग कर दें। इसको हम फिर दोबारा नहीं छेड़ेंगे, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे टेपिंग करना है ताकि सारा जो तार है वो इसके एल में यहाँ पे टेप लगा दें, और इसको यहाँ पे भी अच्छे प्रकार से टेपिंग कर दें ताकि जो तार है वो लटके ना, वो बिल्कुल चिपके रहे तार एल में। आप इस प्रकार से इसको टेपिंग कर दें अच्छे से, और ये फिनिशिंग भी आपको अच्छी दिखेगी। इस चीज़ को ध्यान दें आप। और आप देख रहे हैं कि दो तार हमने यहाँ से पंप के, और दो तार ये जो रेड रेड वाले हैं ये डाल दिया है। और इसके बाद से ये तो आप दो तार आप देख रहे हैं, कम से कम 3-4 मीटर का तार है ये डबल तार। इसको ये हमारा बिजली वाला तार है मेन सप्लाई, तो यहाँ पे हल्का सा इसको बॉडी में डाले तो इसको यहाँ पे गांठ मार दे ताकि तार बाहर खींचे ना, और इसको भी हम उधर पैनल में निकाल लेंगे दूसरे छेद से। और आप देख रहे हैं कि हम ये तीसरा तार जो निकाल रहे हैं हमारा मेन सप्लाई वाला है, जहाँ से हम कूलर को सप्लाई देंगे। और जो पहले से डले हुए हैं वो दो तार पंप के हैं, दो मोटर के हैं। ये हमने यहाँ पे ये डाल लिया है। अभी हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं, समझ लो, एक हमारा बिजली का गया है, एक हमारा पंप का है, और एक ये मोटर का। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं वीडियो को, हमने जूम करके दिखा रहे हैं आप आपको, और ये हमारी मेन लाइन है। वह हम आपको दिखाएंगे पैनल आगे से कैसे इसको कनेक्शन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेन लाइन आई है उसको हमने यहाँ पे गांठ मार दिया ताकि पहचान के लिए, क्योंकि हमारे पास डबल डबल तार है लाल लाल, इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो अब आप देख रहे हैं जो हमने तार पकड़ा है ये हमारी मोटर की तार है। अब मोटर का तार हमें क्या करना है, एक तार इसमें जो हमारा खाली बचा था इसमें लगा देंगे, एक स्विच में लगा देंगे। और ये पीछे फिर लिखा होगा कि ये फ़ैन का तार है, तो आपको इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है। ये हम इस पे लगा रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से लगाना है, और इसको लगा के यहाँ पे अच्छे से इसे कस देंगे। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि हमारा ये मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई का एक तार हम यहाँ पे, ये जो हमने आपस में तार मिलाए थे नीचे दोनों स्विचों में, तो हल्का सा इसको यहाँ पे खोल के इसमें एक पॉइंट हम डाल देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डालना है और इसको यहाँ पे कस देंगे, और हमने ये कस दिया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा एक बिजली का तार है और एक पंप का तार है ये, और हमारा ये मोटर का तार है। इन तीनों तारों को आपस में यहाँ पे ही हम मिला देंगे, ये हमारा कॉमन बन गया है। तो ये हमारा सारी जो एक एक लाइन है सबको आपस में हम यहाँ मिला के इसको टेपिंग कर देंगे अच्छे से। और आप देख रहे हैं कि एक जो एक तार हमारा पंप का था, एक तार हमारा फ़ैन का था, और एक हमारी जो सप्लाई आ रही थी मेन सप्लाई, वो हमने आपस में ये तीन तार मिला के यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। और ये हमारा पूरी वायरिंग हो चुकी है, और इसे हम चला के देखेंगे, और यहाँ पे अच्छे से इसे टेपिंग कर दें आप, और इस प्रकार से यहाँ पे ये आप इसे फिट करें। यहाँ पे जो हमने छेद लगाए थे यहाँ पे एक पेच कस देंगे यहाँ पे, और आप देख रहे हैं हम ये पेच कस रहे हैं इसमें। आपको भी इसी प्रकार से ये फिनिशिंग करना है जैसा आप देख रहे हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें ज़रूर, क्योंकि आप लोग लाइक कर देते हैं तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे लिए बहुत है। और ये हमारी ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई को हम यहाँ पे ये जो हमारा तार हमने मिक्स करा था इसको हम यहाँ से काट लेंगे, और काटने के बाद इसको हम यहाँ पे प्लग में लगाएंगे और देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ एक स्विच दबाएंगे, देख रहे हैं फ़ैन चल रहा है और दूसरा ये हमारा पंप चल रहा है। तो ये हमारी एक सिंपल सी वायरिंग है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।